हेलो, वेलकम बैक टू एपेक्स आर्किटेक्ट्स। मैं आपके लिए न्यू रेफिडेंशियल फॉर प्लान लेकर आया हूँ। इस प्लॉट का जो हमारा फ्रंट रहेगा वो 27 फिट का रहेगा, जो उसकी डेप्थ रहेगी वो हमारी 50 फिट की रहेगी। अब गाइस, मैं आपको थोड़ी इसकी रिक्वायरमेंट बता देता हूँ, इसमें रिक्वायरमेंट हमारी क्या क्या रहेगी। एक इसमें हमारी ये बालकनी रहेगी गाइस, और एक इसमें हमारा ड्राई रूम रहेगा, एक टॉयलेट रहेगी, एक WC रहेगी, एक इसमें हमारा बेडरूम ये रहेगा, और इससे अटैच हमारी ये टॉयलेट रहेगी, एक इसमें हमारा ये लॉबी रहेगी, और एक इसमें हमारा पूजा का ये रहेगा, एक इसमें हमारा किचन रहेगा, और एक हमारा ओपन स्पेस रहेगा, एक बेडरूम हमारा इसमें ये रहेगा, और इससे अटैच हमारा ये स्टोर रहेगा। अब गाइज, मैं आपको थोड़ी इसकी डिटेल बता देता हूँ, इसकी डिटेल हमारी क्या रहेगी। मेन एंट्री गेट गाइज हमारा इसका यहाँ से रहेगा, और जो हमारा WC है, WC की लंबाई हमारी 5 फिट की रहेगी और चौड़ाई इसकी 3 फिट 7 इंच की रहेगी। टॉयलेट की लंबाई हमारी 5 फिट की रहेगी और चौड़ाई 7 फिट की रहेगी। इस ड्राई रूम की लंबाई हमारी 13 फिट 4 इंच की और चौड़ाई इसकी 11 फिट की रहेगी। और इस लॉबी की लंबाई 15 फिट की रहेगी और चौड़ाई इसकी 16 फिट 4 इंच की रहेगी। इस बेडरूम की लंबाई हमारी 10 फिट की और चौड़ाई इसकी 12 फिट की रहेगी। इस टॉयलेट की लंबाई 10 फिट की और चौड़ाई 4 फिट 9 इंच की रहेगी। और जो हमारा स्टोर है इसकी 10 फिट की और चौड़ाई इसकी 5 फिट की रहेगी। और जो हमारा बेडरूम है इसकी लंबाई 13 फिट 3 इंच की और चौड़ाई इसकी 11 फिट की रहेगी। और हमारा ओपन एरिया है इसकी लंबाई 4 फिट 9 इंच की और चौड़ाई 7 फिट 9 इंच की रहेगी। इस किचन की लंबाई 7 फिट 6 इंच की और चौड़ाई इसकी 11 फिट की रहेगी। इस पूजा की लंबाई हमारी रहेगी वो 3 फिट 4 फिट 3 इंच की और चौड़ाई इसकी 5 फिट उसकी रहेगी। बाहर की लंबाई हमारी 11 फिट 3 इंच की और चौड़ाई इसकी 9 फिट 4 इंच की रहेगी। अब गाइस, इसके मैं वेंटिलेशन और डोर के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके वेंटिलेशन हमारे कहाँ कहाँ पर रहेंगे और डोर कहाँ कहाँ पर रहेगा। ड्राई रूम का जो डोर रहेगा वो हमारा एक इस बालकनी से रहेगा गाइस, और एक डोर हमारा इस लॉबी से यहाँ से रहेगा, और वेंटिलेशन जो रहेगा वो इस बालकनी से यहाँ से रहेगा। और जो हमारा वो सोफे रहेंगे वो गाइस हमारे इसके यहाँ पर रहेंगे, और जो टेबल रहेगी वो टेबल हमारे इसकी यहाँ पर रहेगी, और WC का डोर हमारा गाइस यहाँ पर रहेगा, और इस टॉयलेट का डोर हमारा गाइस यहाँ पर रहेगा, और इस बेडरूम का डोर हमारा गाइस यहाँ पर रहेगा, और वेंटिलेशन जो रहेगा वो इस लॉबी से रहेगा, और इस टॉयलेट का डोर हमारा गाइस यहाँ पर रहेगा, और जो हमारा पूजा का डोर वो पूजा हमारा ये ओपन ही रहेगा, और किचन के जो डोर रहेगा वो गाइस हमारा इसका यहाँ से रहेगा, और वेंटिलेशन इस ओपन से यहाँ से रहेगा, और एल साइप की हमारी स्लैब रहेगी। और जो हमारा बेडरूम है इसका डोर हमारा गाइस यहाँ पर रहेगा, और जो वेंटिलेशन रहेगा वो इस ओपन से यहाँ से रहेगा, और जो इसमें हमारा बेड रहेगा वो गाइस हमारा इसका यहाँ पर रहेगा, और जो हमारा किचन का डोर रहेगा वो डोर हमारा इसका यहाँ पर रहेगा। अगर गाइस आपका प्लॉट साइज सेम यही है तो आप ये रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। अगर गाइस आपका प्लॉट साइज डिफरेंस है और आपकी रिक्वायरमेंट भी डिफरेंस है गाइस, तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर सी में ही है। जो भी गाइस आपकी रिक्वायरमेंट होगी हम उसे बताएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर गाइस अपेक्स आर्किटेक्ट्स।